श्रावस्ती जनपद की बड़ी खबर आपको बता दें, जनपद के मलहीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परसा डेहरिया गांव में अंतिम संस्कार कर देने के बाद आज फिर से उसी लाश को खुलवाया जा रहा है। आपको बता दें कि परसा डेहरिया गांव निवासी प्रमोद कुमार उम्र 25 की 10 दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसका घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसे दफना दिया गया था, लेकिन मृतक की बड़ी बहन कलावती ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि मेरे भाई की मौत साधारण तरीके से नहीं हुई है, बल्कि भाई की संपत्ति को हथियाने के चक्कर में मेरी भाभी व उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी है। कलावती के प्रार्थना पत्र पर विचार करके जिलाधिकारी ने लाश को खोदने का आदेश दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उपजिलाधिकारी भिंगा के मौजूदगी में लाश को खोदा गया है। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लगभग 8 दिन पहले मृत्यु हो गई थी सर, आज इसका यहाँ नए रहे। अच्छा, क्या जानकारी है आपको? हमारे घर दूर है 20 को साठे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ साहब जब मट्टी हो गया, मैंने पहले कोई नहीं जानत रहा कि का भवा कसके अपने बूते मरा कि का भवा, तो जब मट्टी हो गया तब अपने बूते कबूले लग। अच्छा, हाँ, अपने बूते बयान दे लग। जब मट्टी होए के बाद में यहाँ जब बयान दे लग कि हम मार डाल रहे धन के कत्ती। अच्छा, कौन बयान देने लगा? वही जौन मार डाली सी। अच्छा, कौन है वो? वो कहिस भूरे। अच्छा, तो कहिस कि हम मैंने दो इनका बताया कि दोनों मेरा और हम हूँ, मैंने दोनों जने मार डाल रहा है। अच्छा, दोनों मतलब मिल के मारे हैं? हाँ, दोनों मिला मिल के मार डाल रहा है। अच्छा, हाँ, तब बाद में हम केस लगा। अच्छा, तब एप्लीकेशन आपने जाके दिया है। हाँ, आज जो लाश खुद रही है, इसके बारे में आरोपी दो तो सीधे हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पे आप? बस सीधे ही चली जाए। का जोर से बोलो। आपके हस्बैंड के साथ में जो ये घटना हुआ है, कैसे हुआ जब आप साथ में थी रात में? कौन मारा है? इनके दमाद मारे। खाली इनके दमाद मारे, उस वक्त आप कहाँ थी? ये हम हो रहे। कैसे हुआ पूरा मामला बताइए। जोर से बोलो, जोर जोर से बोलो। अच्छा, अच्छा, कौन मारा था? क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? और कुछ बताना चाहोगे, कैसे हुआ, कैसे क्या मामला है? लगभग 8 दिन पहले मृत्यु हो गई थी सर, आज इसका दवाई हो रहा है सर, क्या पूरा मामला है? ये जो मृतक हुए हैं प्रमोद, उनकी बहन कलावती के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके भाई की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। अब इसका दोबारा से उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध किया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया गया कि सबको निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए।